अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक्निकल इब्ने हाशम से मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग, पिक्चर मूविंग एडिटिंग, पिक्चर मूविंग इफ़ेक्ट काइन मास्टर में किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ से व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना है हमने। 9.16 का साइज़ हम लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट। और सबसे पहले ब्लैक बैकग्राउंड को हम चूज़ करेंगे इस तरह से, और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे जो व्हाट्सएप स्टेटस की आप रहना चाहते हैं। मैं यहाँ इसकी 15 सेकंड कर रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा एरिया भी इसको सेट कर लेंगे आप इस तरह से कुछ। और एक न्यू लेयर आप क्रिएट करेंगे, फिर इसके बीच में अपनी कोई सी तस्वीरें आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं ये दो कर रहा हूँ, और इनको कुछ इस तरह से जूम कर लेंगे, फोकस इनका इस तरह से रखेंगे एक, और इस तरह से। और एक और फ़ोटो ले लेंगे आप, दो चार पाँच जितनी चाहें इतनी फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। लेयर के बीच में से वक्फा आप ख़त्म कर देंगे और दोनों लेयर्स को बराबर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये की को सिलेक्ट करेंगे, और सबसे फिर जो हम इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं उसे थोड़ा सा इधर, तो एक स्टेप इधर, थोड़ा सा इस तरफ एक एक स्टेप, इसी तरह से करके हम तीन चार या पांच अलग अलग इफ़ेक्ट को ले लेंगे। ठीक, और इस तरह से इसी में भी यही एक, दूसरे में कुछ इस तरह से, तीसरे में कुछ इस तरह से, ये चौथा और ये पांचवा, इसको क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद एक न्यू लेयर लेंगे मीडिया की, और इसमें आप ब्लैक ग्रेडियंट लगाएंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्यूट्स लिखनी है, ब्लैक बैकग्राउंड के बिना वो वाज़े शो नहीं होगी। और इसको भी आप किसी के ड्यूरेशन के बराबर कर देंगे, और फिर एक और लेयर लेंगे आप, ये इफ़ेक्ट। डाउनलोड मटेरियल जितना भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ आप डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मीडिया फायर के लिंक से। यहाँ से ब्लेंडिंग और स्क्रीन में आ जाएंगे आप, टिक कर देंगे वीडियो, और एक और आप लेयर बनाएंगे मीडिया से क्यूट्स की। क्यूट्स आप कोई भी इंटरनेट से निकाल सकते हैं, ख़ुद भी अपनी राइट कर सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर। गूगल सर्च बार में आप लिखेंगे उर्दू क्यूट्स, लव क्यूट्स, या उर्दू शायरी ब्लैक बैकग्राउंड में आपको वो मिल जाएगी। इसको आप फालतू हिस्से को क्रॉप कर देंगे और इस तरह से स्क्रीनिंग में ले आएंगे इसे, स्क्रीनिंग, और बिल्कुल नीचे से सिलेक्ट कर देंगे इस तरह से कुछ। और इसका साइज़, इसकी ड्यूरेशन भी वहीं पे रखेंगे। फिर एक और लेयर आप बनाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और अब इसमें बॉर्डर लगाएंगे हम इस तरह से, और इस बॉर्डर को मुकम्मल फिक्स इस तरह से कर देंगे। इसमें इसका जो ओरिजिनल साउंड है ना उसको हम बंद कर देंगे, आप चाहें तो ओरिजिनल साउंड चला भी सकते हैं। ये मैंने इसका ओरिजिनल साउंड बंद कर दिया, बैकग्राउंड पे एक दूसरा म्यूज़िक लगा रहा हूँ। कुछ इस तरह अभी हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, चेक कराते हैं प्रोजेक्ट किस तरह का तैयार हुआ है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स आपने देखने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।